बाबा नारद ने जैसे कंसराज को देखा, कंस ने बड़ा सुंदर आसन लिया, को विदा कर रहे थे उस समय कोई आकाशवाणी हुई थी। हाँ, हमें देवताओं ने अवगत कराया कि देवकी के गर्भ से जो आठवां बेटा होगा वो मेरा काल होगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया या नहीं? बोले महाराज थोड़ी देर पहले आ जाते तो वो बालक तुम्हें देखने के लिए मिल जाता। तूने क्या किया, करना क्या था, छोड़ दिया। तो नारद हंसने लगे, कंसराज नारद बोले ओ कंसराज और बैठा आनंद तुझे कैसे पता देवकी का आठवां ही बेटा मेरा काल है? हो सकता है आठवां पहले क्रम में आ जाए। कंस भागा, देवकी की गोदी से उस बच्चे को खींच लिया, घुमा करके दीवार से पटका, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए। देवकी रोती हुई रह जाती है। माता इस तरीका से एक दो बालक ने कंस ने मैया देवकी के छह बच्चों को जान से मार दिया। सातवें गर्भ में बलराम आए, योग माया ने काम कर दिया, वो गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। यहाँ ये अफवाह हो गई कि देवकी का सातवां गर्भ खंडित हो गया। अब आठवें गर्भ की बारी है। सके यहाँ तैयारी थी, राजा था तेरे दारी पर, जेल में बहन बिचारी थी, अब आठवें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ विशेष तैयारी, शास्त्रार्थ सजाए जान लगे और दूतियां बुलाई जान लगी, फाटक के पहरेदारों पर दोहरी चौकियां बिछा, सबसे पहले चतुर्भुजी भगवान ने और दर्शन दिए। देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं, रो रहे हैं। वसुदेव और देवकी ने कहा महाराज कंस की जेल है, और कंस छह छह महीना तक झाड़ू नहीं लगवा, अब हम आपकी क्या सेवा करें? कहा तुम हमारे प्रिय भक्तों में से मेरा जन्म हो तुझे तुरंत मुझे गोकुल में पहुंचा देना।
इतने वचन कह के भगवान शिशु रूप में मैया देवकी की गोदी में आ गए।